यार आज तो मेरे को सुबह सुबह नहाना पड़ गया। वैसे गैस नहाने के बाद काफी बेटर फील कर रहा हूँ मैं। चलो भाई वैसे मैं अब रेडी तो हो चुका हूँ सिंचन, और गैस मेरा बेबी मजे से टीवी दिख रहा है। अब गैस मेरे को जाना है अपनी वाइफ को लेके, क्योंकि गैस मेरे को ना इनको भाई बाइक की प्रैक्टिस करवा रही है। हाँ गैस मैंने भाई इनको बाइक चलानी सिखा रहा हूँ, क्योंकि गैस इनके लिए नई बाइक जो परचेज करनी है। वैसे ही मैंने आपको 5 दिन तो बाइक सिखाई दी है, अब तो लगभग आपको बाइक आएगी होगी, तो क्यों ना गैस आज इनको ग्राउंड में लेके ना जाया जाए। आज गैस इनको मैंने भाई रोड पे प्रैक्टिस करवाता हूँ। हाँ गैस मैं इनके पीछे बैठूंगा और ये भाई रोड पे बाइक चलाएंगी, देखते हैं गैस कैसी चलाती है। लेकिन थोड़ा बहुत तो डर लगेगा गैस, पता नहीं भाई क्या होने वाला है, कहीं भाई तगड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए। हेलमेट ले लूं क्या? अरे नहीं नहीं हेलमेट की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पे भरोसा रखो, मैं तुमको बिल्कुल नहीं गिराऊंगी। मेरे को बाइक एकदम परफेक्ट आ गई है चलानी। आओ बस तुम आओ फटाफट से, अब मेरे पीछे बैठो और बताना मेरे को बाइक आई है नहीं आई। मैं तो सोच रहा हूँ यार बाइक लेके आ जानी चाहिए। चलो कोई नहीं गैस, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हाँ भाई थोड़ी आराम से चलाना। बढ़िया भाई, बाइक बैक करनी तो आ गई, डिसबैलेंस मत कर देना बाइक वरना दोनों गिरेंगे। अरे बहुत बढ़िया भाई, 5 दिन मैंने आपको ग्राउंड के अंदर बाइक चलानी सिखाई और आप रोड पे एकदम ओपी बाइक चला रही हो। अरे स्लो स्लो भाई, ज्यादा तेज जा रही है भाई, ज्यादा तेज, आराम से। अरे बेफिक्र होके बस बैठे रहो, तुम टेंशन मत लो, मैं आज बाइक इतनी तेज भगाऊंगी आपने भी नहीं भगाई होगी कभी। अरे भाई मैं आपको बाइक चलानी सिखा रहा हूँ भाई, अभी इतनी तेज मत चलाओ, अभी थोड़ी स्लो ही रखो। याद रखना गलती से कोई गाड़ी पीछे से आई ना दोनों को उड़ा देगी। अरे अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो मैं आपको स्टंट भी करके दिखाऊंगी। ये बताओ स्टंट एरिया कहाँ है आपके एरिया में? अरे अरे सामने हिरन, चलो बच गया भाई। अगर हिरन को गलती से मारती ना तो भाई काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। स्टंट विस्टंट छोड़ो, अभी थोड़ी आराम से स्पीड रखो और रोड पे चलाती रहो। अरे पानी कहाँ मिलेगा पानी, इतनी गर्मी हो रही है और मुझे पानी में रहना बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं दलदल में रहता था, लेकिन वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया और पूरी दलदल तहस नहस कर दी, इसलिए मुझे शहर की तरफ आना पड़ गया। यहाँ पर पानी नहीं है क्या? कहीं अगर मुझे पानी नहीं मिला मैं मर जाऊंगा। पानी मिला लेकिन यहाँ पर एक मनुष्य अभी खड़ा है। टर टर पानी में जाऊंगा, इस मनुष्य को चकमा दूंगा। पानी, मुझे पानी चाहिए। अरे जो होगा देखा जाएगा, मेरे पानी। यूहू बल्ले बल्ले, अब मन कर रहा है जिंदगी भर इसमें ही डूबे रहो। टर टर अबे ये कैसी आवाज है? टर टर, अरे बाप रे ये कौन है? ये मगरमच्छ जैसी शक्ल का, अरे इसे पकड़ना होगा। पता नहीं ये कौन आ गया मेरे घर के अंदर। ओए 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 कौन है? कल तो मेरे स्विमिंग पूल के अंदर दो केले घुस गए थे, लेकिन आज ये कौन सी मगरमच्छ घुस गया मेरे स्विमिंग पूल में? मगरमच्छ क्या ये? अरे बाप रे तो कोई अजीब सा ही जानवर है। अरे क्या है, क्या है? तू अभी निकल रहा था, बड़ी अजीब सी आवाज निकल। अरे अरे ये तो मेरी तरफ आ रहा है मनुष्य। टर टर, अरे लगता है इसको पेलना पड़ेगा, ये तो बड़ा अजीब जानवर है। अबे तू है कौन? अरे ये तो मेंढक है, मेंढक। ओए मेंढक की शक्ल के भाग जा, तू मेरे स्विमिंग पूल में नहाने आया या फिर इसे गंदा करने आया? मनुष्य हमको तुम्हारे स्विमिंग पूल चाहिए, 2 दिन के लिए दे दो। मेरा स्विमिंग पूल चाहिए तुझे? मेंढक तेरे को यही तोड़ूंगा अभी अभी, रुक जा, डंडा लेके आना पड़ेगा। अरे भागो टर टर, तोड़ेगा ये तो हमको, हमारी हड्डी नहीं तोड़नी, भागो भागो। रुक जा बेटे, तुझे पता है मैं बुड्ढा हूँ, बुड्ढा मेरा जो दिमाग है ना पूरा का पूरा सन किया है, आज तेरे को तोड़ूंगा, दफना दूंगा यही मिट्टियों में तेरे को। रुक जा, कहाँ भागता है मेंढक की शक्ल के? टर टर बचाओ हमको, ये मनुष्य हमको आज खा जाएगा पकड़ के। अब खाऊंगा, तू ही तो बचा खाने के लिए, वैसे भी सुबह सुबह मैं सब्जी लेके आऊँ, सब्जी खाऊंगा, तुझे क्यों खाऊंगा बेवकूफ कहीं का। अरे मनुष्य तुम हमको पानी दोगे पीने को? मनुष्य हमको पानी चाहिए। अब है कौन तू? अब चिमकादर सी शक्ल के, क्या करे? ये लो चिमकादर बोलते हो तुम हमको? अब तेरे अंदर तो बहुत पावर है भाई, एक और बार मारियो, एक और बार मारियो। क्या एक और बार? ये मनुष्य अच्छा लगा, ये ले पिटेगा तू मेरे से। टर टर, एक काम करे तुम्हें पानी में डाले हम। अब मेंढक तू एक काम कर, तू मेरे पीछे तुझे अपने पापा जी से मिलवाता हूँ। मेरे पापा जी से मिलके ना पापा जी से बोलियो के पानी पियोगे। अरे पर आप हमको पानी पिला दो। टर टर, अरे पापा जी मेरा नए दोस्त से मिलो पापा जी, अभी अभी गली में मैंने एक मेंढक को पकड़ा पापा जी, एकदम मस्त है, गोरा चिट्ठा, देखो अभी भी आपसे मिला के लाओ। ओए मेंढक जल्दी आ भगते हुए। टर टर, इसको पेलना है क्या? अभी मारते हैं। ये ले मनुष्य ने बोला के तुझे मारना है, ये ले। अरे लिटिल सिंगम के बच्चे से तू मुझे पिटवाने लाया है। टर टर, तोड़ेंगे तुम्हारी हड्डी, एक काम करते है दोनों को मारते है। इसने बोला, अब तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मेरे पापा को क्यों मार रहा है बेटे? ये पिटवाएगा मेरे को, पिटवाएगा खाली पीली। टर टर, मजा आया लिटिल सिंगम, गधे कहीं के इस मगरमच्छ को लाया मेरे से ये ले पिटवाने के लिए। अरे नहीं पापा जी, ये तो मैं मिलवाने के लिए लाता हूं, इसने जबरदस्ती आपको पेल दिया। अरे लिटिल सिंगम आज तू कुटेगा मेरे हाथ से, ये ले बेवकूफ कहीं के, ये ले। अपने पापा को पिटवाता है बाहर से लोगों को बुलवा के, और ये लाया किसको है? मगरमच्छ जैसी शक्ल के को, ये ले। आज तेरे को भी तोड़ूंगा और इसको भी तोड़ूंगा। टर टर, मारो हमको, मारो हमको, पिटने में मजा आ रहा है। ओपा तेरे को मैं मारूंगा बाद में, पहले मेरे को बचा दे भाई, मेरे पापा मार रहे। ये ले एक तीर से 2 निशाने लगाऊंगा, दोनों को पेलूंगा। है कौन ये?
है ये तो बता दे। भागो भागो भागो, हमको पिटना नहीं है, बड़ी तेज मारता है इसका पापा तो। कोई बचाओ हमको, मैं पानी पिला दो, कोई पानी में डाल दो, टर टर कहाँ जाए हम, लगता है मर जाना चाहिए हमको। चिंटू भाई आज तो सच में यार मजी आ गई, तुझे पता है हम यार पूरे के पूरे 8 घंटे से लगातार टीवी देख रहे हैं और हमको यार किसी ने ना रोका ना टोका, अब चल चुपचाप से इसको बंद कर देते। अरे पर चाचू मुझको और देखनी है। अरे गधे कहीं के यार, 8 घंटे से हम लगातार टीवी देख रहे हैं, अब आ जाए यार बाहर चल के थोड़ा खेलते हैं यार मस्त करके। अपने दोस्तों को ही बुला लेता हूँ गाइस, वैसे भी बंदर तो यार वेला ही घूमता रहता है गली के अंदर, उसे बुला के उसके साथ खेलते हैं। अरे बाबरे ये कौन है यार जो चौक के स्विमिंग पूल में नहा रहा है? अरे जल्दी आ चिंटू भाई, चाचू चाचू टीवी देखनी है चाचू। अबे पागल कहीं के, वो चेक कर दे कौन है सामने। ए चाचू ये कौन है, ये कौन है चाचू? मुझे क्या पता यार कौन है। ओए कौन है भाई ये, जिसकी शक्ल तो गाइस मेंढक जैसी है। अरे हमको भगाना नहीं, हम अगर पानी से दूर रहे तो हम मर जाएंगे। अब हमारा मन कर रहा है हम यहीं अपना बसेरा डाले और जिंदगी भर यहीं रहे। अरे अभी तेरे को यहीं रहने दूंगा, अभी चांटा मारूंगा एक गाल पे। बास अब सूटी, तू बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बास अब तेरे को ऐसी पार्टी दूंगा कि बास अब कभी तू मेरे को छोड़ के नहीं जाएगी। बास अब मैंने एक दिन बास अब सूटी से उल्टा बोल दिया, ये तो बास अब मेरे को छोड़ के अपने मालिक के घर चली गई थी, लेकिन बास अब फाइनली आज ही आ गई। आज इसको बास अब रेस्टोरेंट में ले आया, वो भी बड़े वाले मस्त करके। बास अब जो सूटी बोलेगी सब कुछ खिलाऊंगा। आओ बास अब मेरे चेले पटाउट से, बास अब ये बता मैं बैठने का है? अरे डग आए क्या डग, बास अब उधेड़ दूंगा तेरे को, ये बता बास अब बैठे कहाँ पे? और हमारे लिए बास अब बहुत सारी रेसिपी खिला खाने के लिए, बैठ जाओ आगे टेबल पे बैठ जाओ, मालिक से पूछ के आपको जो खाना है वो ले आएंगे। बास अब लेके आ जाओ चौमिन लेके आ जाओ, और बास अब स्वीटी क्या खाएगी? अच्छा बास अब स्वीटी भी वैसे भी थोड़ी बहुत गुस्सा है, एक काम कर बास अब बर्गर और पिज्जा और बास अब चौमिन लेके आ जाओ फटाफट से, और कोल्ड कॉफी भी ले आइयो, आ जाओ बास अब स्वीटी। अरे पर तुम पेमेंट कैसे करोगे ये तो कन्फर्म कर दो, जब तो हम तुम्हारे लिए खाना लेंगे। बास अब कलुआ कर देगा पेमेंट आके, आ जाओ बास अब स्वीटी, पेमेंट की टेंशन मत लियो, कलुआ आएगा बास अब कर देगा इनकी पेमेंट। वैसे बास अब बैठना कहाँ है ये भी तो नहीं समझ आ रहा, और बास अब मेरी स्वीटी और मेरे से अभी भी गुस्सा है। ओ बास अब निकलो यहाँ से सारे के सारे, आज बास अब स्वीटी और मेरी पार्टी है यहाँ पे। अरे चुप, हम तुमसे अब गुस्सा नहीं है क्योंकि तुम हमको पार्टी के लिए लाए हो, पर चुप हमें गलत लग रहा है, इन सबको भगाओ चुप। बास अब स्वीटी मुझसे बोली, इसका मतलब बास अब इन सबको पेलना पड़ेगा। चलो रे चलो बास अब सारे के सारे रेस्टोरेंट खाली करो। ओए ओए कुत्ते, तू यहाँ ये ले तेरे को मारू। बास अब, अरे बास अब मेरी ये ले, बास अभी तेरे को देता हूँ, मेरी स्वीटी के सामने बास अब लात मार रहा है। बचाओ कोई बचाओ, देर देस कुत्ते ने मुझे। बास अब मेरी स्वीटी के सामने मेरी लात मार रहा है, बास अब सबको पेल दूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। अरे वाह चुप, मारो चुप, इनको तोड़ दो चुप, आप तो मेरे सुपर हीरो हो। बास अब स्वीटी के सामने लात पे लात उधेड़ रहे, बास अब इनको ऐसा उधेड़ूंगा कि बास अब जिंदगी भर याद रखेगा कि किस कुत्ते ने काटा था ये ले। बास अब मेरी स्वीटी के सामने है, स्वीटी के सामने बॉस बनेगा आज तो। बास अब स्वीटी के सामने मैंने हवाबाजी कर दी, क्या बोलती है स्वीटी? बास अब हूं ना मैं डन। अरे वाह चुप, तुम तो मेरे सुपर हीरो सुपर हीरो। चलो चुप, चौमिन और पिज्जा मंगाया था, आया क्यों नहीं, मंगाओ ना। अरे मुझे नहीं लगता मेंढक के बच्चे तू हमको कभी कुछ दे पाएगा, भग जा हमारे घर से। टर टर, हमारी काबिलियत पर शक करते हो, टर टर। अरे चाचू भगाओ ना इसको, ये टर टर कर रहा है चाचू। अरे भाग जा यार, मुझे नहीं लगता तू हमको रिमोट कंट्रोल कर दे पाएगा। अरे चाचू भगाओ, इसके पास तो पैसे भी नहीं होंगे। हमारी काबिलियत पर तुमने शक करा, टर टर। अभी तुम्हें रिमोट कंट्रोल चार्ज चाहिए ना, अभी तुम्हें लेके देते हैं, उसके बाद पानी में नहा दोगे। अरे जाना, तू कहां से लाएगा रिमोट कंट्रोल कार? अभी लाके दिखाते हैं, टर टर रिमोट कंट्रोल कार आ जाए। अरे बाबरी ये क्या हो गया यार चिंटू? अरे चाचू चाचू रिमोट कंट्रोल कार है ये तो चाचू। अब बोलो क्या चाहिए तुम्हें, वो भी लाके दूंगा। अरे भाई तूने मिल ली यार बड़ी वाली टॉय वाली कार, मांगना ऐसे जैसे मांगी है। अभी टर टर टॉय वाली कार आ जाए, बहुत सही है ये तो, ज्यादा नहीं आई, बेइज्जती हो गई, कैसे लगा? अरे वाह यार तू तो काफी अच्छा है, चल पानी में नहा ले। आता हूँ मैं अभी, लगता है पावर खत्म हो रही है मेरी धीरे धीरे करके। मजा ही आ गया गाइस, मैंने तो अपनी वाइफ को भाई परफेक्ट कर दिया गाइस बाइक चलाने में, ये चेक करो गाइस क्या ओपी करके चला रही है बाइक। अरे पर अभी थोड़ी सी सो गई, तुम टेंशन मत लेना, अब आपको स्टंट करके ही दिखाऊंगी। अरे यार प्लीज भाई स्टंट मत करो, देखो मैं एकदम परफेक्ट हूँ बाइक कार चलाने में, लेकिन उसके बाद भी मैं अभी स्टंट करता नहीं हूँ। लेकिन भाई तुम इतनी तेज चला रही हो, और गाइस मुझे लगता है अब तो ये पक्का भाई कोई तगड़ा स्टंट करने वाली है। और वैसे मेरे को डरने कोई बात नहीं है, क्योंकि गाइस रास्ते में से मैंने भाई एक हेलमेट परचेस कर लिया था, लेकिन अच्छी बात यह है गाइस अभी तक इसने मेरे को बिल्कुल भी गिराया नहीं है। अब बढ़िया करके पार्किंग में कर दो, सॉरी पार्किंग नहीं गैराज। बताओ बताओ कैसा लगा, आज तो घुमा दिया पूरे लॉस सैंटोस में आपको मैंने। हाँ यार घुमा तो दिया, और मेरे को भी गाइस अब तसल्ली हो चुकी है, क्योंकि गाइस मैंने इनको भाई एकदम परफेक्ट कर दिया है भाई बाइक चलाने में। आई थिंक अब आपके लिए भी मेरे को एक बढ़िया सी बाइक परचेस कर लेनी चाहिए, बाइक या फिर स्कूटी। गाइस आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ, मेरे को अपनी वाइफ को यार बाइक दिलानी चाहिए या फिर स्कूटी। हाँ गाइस यार फटाफट से अगर
अगर आप लोगों को लगता है गाइस बाइक दिलान चाहिए तो फटाफट से गाइस कमेंट में यार डन लिखो, और गाइस अगर आप लोगों को लगता है यार स्कूटी दिलान चाहिए तो गाइस कमेंट में यस लिखो। वैसे सिंचन एक बात बता, आखिरकार ये टॉय वाली कार कहां से आ गई? भाई हमारे पास तो जितनी भी थी वो सारी तो खराब हो गई थी। अरे फ्रेंगल बैग मेंढक से शकल का आया था, फ्रेंगल बैग उसके अंदर पता नहीं कौन सा जादू था। अबे क्या बात कर रहे हो तुम, कौन मेंढक से शकल का? पापा पापा मैं समझाता हूं आखिरकार हमारे साथ पूरा पूरा क्या हुआ और उस मेंढक ने हमको ये सारी की सारी कार कहां से लाके दी। फाइनली गाइस अभी सिंचन ने भाई मेरे को सब कुछ बता दिया भाई उस मेंढक के बारे में। अच्छा हुआ गाइस कि उस मेंढक के अंदर कोई पावर है भाई, जिससे भाई उसने यहां पर इतनी सारी रिमोट कंट्रोल कार लाई। और गाइस मुझे पक्का पता है भाई वो मेंढक दोबारा गाइस लौट के हमारे घर पे जरूर आएगा, क्योंकि गाइस उस मेंढक को भाई पानी में रहना काफी पसंद है। अरे पर पापा अब मेरे को भी दिखाओ ना, मैं भी चलाऊंगा। अरे चिंटू के बच्चे इतनी सारी रिमोट कंट्रोल कार है, फ्रेंगल बैग ही चलाएगा क्या? अरे हाँ चाचू मैं तो भूल ही गया था, अब तो हमारे पास बहुत सारी रिमोट कंट्रोल कार है, हम तो जो मर्जी चला सकते हैं। चलाओ पापा तुम इसको चलाओ, मैं दूसरी चला लेता हूँ। और फ्रेंगल बैग मेरे लिए भी वो उसने यार 4-5 यार रिमोट कंट्रोल कार मांगी है। नहीं यार ये तो टॉय वाली कार है बड़ी वाली, मैं तो बढ़िया करके चलाऊंगा। बस सिंचन मैं तो अब वेट कर रहा हूँ भाई कैसे भी करके वो मेंढक हमारे घर पे आ जाए, उसके बाद देख सिंचन उसे रस्सी से बांध लेंगे और पूछेंगे आखिरकार भाई उसके अंदर ये पावर आई तो आई कहाँ से। मतलब भाई एक झटके में गाइस उसने सोचा कि यहाँ पे रिमोट कंट्रोल कार आया तो भाई रिमोट कंट्रोल कार आ गई, बढ़िया भाई वो कोई जादुई मेंढक है सिंचन भाई, बस कैसे भी करके घर पे आ जाए। क्या लगता है सिंचन वो आएगा? अरे आएगा क्यों नहीं आएगा। वैसे सिंचन इस रिमोट कंट्रोल कार की रेंज काफी अच्छी है, ये चेक कर भाई हमारे घर से कितनी दूर चलेगी भाई। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस, ट्रायंगल सिंचन आपकी भाई, तो यार फटाफट गाइस अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और गाइस यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और गाइस यार अपने दोस्तों के साथ यार वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि गाइस वो भी यार इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस देख सके। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस प्यारा वाला बाय।